आखिर इंसानों ने भेड़ियों को कब पालतू बनाया? वैज्ञानिकों ने खोजा, इंसानों के दो कबीलों ने भेड़ियों को पहली बार पालतू बनाकर कुत्तों का रूप दिया था। दोस्तों, इंसानों ने इस धरती पर पाए जाने वाले कई जानवरों को अपना पालतू बना लिया है। घोड़ा, गाय, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, ये सब जानवर भी दूसरे जानवरों की तरह कभी जंगली जानवर थे, लेकिन कुछ हजार साल पहले ही हमने इन जानवरों को पालतू बना लिया। इन सब जानवरों में कुत्तों को इंसान ने सबसे पहले अपना दोस्त बनाया। ये खेती के आविष्कार से भी पहले की बात है। आज हमें करीब 400 से भी ज्यादा तरह तरह के कुत्तों की प्रजातियां देखने को मिलती है। कुत्ते हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। कुछ हजार साल पहले ही इंसानों ने इन्हें भेड़ियों की एक प्रजाति को डोमेस्टिकेशन करके बनाया है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? कैसे एक भेड़िया की प्रजाति से इतनी तरह के कुत्ते वजूद में आए, और यह आज से कितने समय पहले हुआ? वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास फॉसिल्स अध्ययन के साथ साथ डीएनए और जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी भी आ गई है। डीएनए की स्टडी कई सच हमारे सामने उजागर कर रही है। एक नए अध्ययन में हिमयुग से बर्फ में दबे जंगली भेड़ियों के अवशेष और उनके डीएनए से पता चला है कि कैसे जंगली भेड़िये इंसानों के दोस्त होते चले गए। यूके के फ्रांसिस कर्क इंस्टीट्यूट में एक स्टडी की गई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत सारे पुराने भेड़ियों और कुत्तों के फॉसिल्स की डीएनए की स्टडी की गई है। इससे हमें कुत्तों के वंश के इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी मिली है, और ये पता चला है कि आखिर कुत्तों को इंसानों ने कब और कहां पालतू बनाना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुत्ते अपना वंश इतिहास कम से कम दो अलग पीढ़ियों की जनसंख्या से लेकर आए हैं। इनमें से एक पूर्वी स्रोत है जिसका सभी कुत्तों में योगदान है, और एक अलग पश्चिमी स्रोत है जिसका कुछ कुत्तों में योगदान है। मतलब कि इंसानों के दो समूहों ने अलग अलग दो बार भेड़ियों को पालतू बनाया था। एक बार पूर्व में इंसानों के एक कबीले ने भेड़ियों को पालतू बनाया, और एक बार पश्चिम में किसी कबीले ने भेड़ियों को पालतू बनाया। आज हमें छोटे और बड़े जितने भी कुत्ते दिखाई देते हैं, सभी पालतू कुत्ते एक ही प्रजाति के हैं। इस प्रजाति का नाम केनिस फेमिलियारिस है। लेकिन दो बार ये डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस कब की गई, इसका कालक्रम टाइमलाइन बहुत ही धुंधली है, और इस पर वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते थे कि सबसे पहले किसी भेड़िये को आज से 1,00,000 साल पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन हाल ही में जो खोज हुई है, इसमें वैज्ञानिकों ने 100 से 32,000 साल के बीच के कुत्तों का डीएनए को शामिल किया और पाया कि कुत्ते 11,000 साल पहले अलग हुए थे, और उनके अलग होने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हुई होगी। माना जाता रहा कि कुत्तों का घरेलूकरण यानी भेड़ियों से अलग होने की प्रक्रिया करीब 40 से 20,000 साल पहले शुरू हुई होगी, और यह भी कि ऐसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ होगा। यह रिसर्च 72 पुराने भेड़ियों के जीनोम पर आधारित है, जिनमें से 66 को हाल ही में विश्लेषण के लिए स्कैन किया गया था। ये करीब 1,00,000 साल पुराने हैं। इसमें यूरोप, साइबेरिया और उत्तर अमेरिका के भेड़ियों के करीब 30,000 पीढ़ियों को शामिल किया गया है। इनकी तुलना आधुनिक भेड़ियों, पुराने और आधुनिक कुत्तों और कायोटी जैसी अन्य प्रजातियों के 68 जीनोम से तुलना की गई है। इन सैंपल्स में कुछ साइबेरिया की बर्फ में 18,000 साल से दबे डेगोर कब और 32,000 साल से दबे भेड़िये का सिर भी शामिल है। जीनोम ने खुलासा किया कि आधुनिक और पुरातन दोनों ही कुत्ते यूरोप की तुलना में एशिया में रहने वाले पुरातन भेड़ियों के ज्यादा नजदीकी संबंधित है। इससे पता चला कि घरेलूकरण और विविधीकरण पश्चिम के जगह पूर्व में शुरू हुआ होगा। पूर्वी यूरोप और एशिया में भेड़ियों को करीब आज से 40,000 साल पहले पालतू बनाया गया। पश्चिमी यूरोप में भी एक बार भेड़ियों को पालतू बनाया गया। आज दुनिया में जितने भी कुत्ते मौजूद हैं, उनमें एशियाई डीएनए ज्यादा मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि एशिया से कोई इंसान या कबीला भेड़ियों को पालतू बनाने की कला सीखकर पश्चिमी यूरोप में जाकर बसा हो, और उसने वहां पर पाई जाने वाली भेड़ियों को पालतू बना लिया हो। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत होती जाएगी, हम बेहतर तरीके से डीएनए की बारीक स्टडी करके अपने पास्ट के बारे में और ज्यादा जानते जाएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में हो रही ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ साइंस ट्यूब चैनल पर। तो प्लीज साइंस ट्यूब चैनल का नाम याद रखिए, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।